I see it in your eyes. Yeah, I can read the signs. You need to get away. जब होता है हमें अपने घर से प्यार, तो हम देते हैं उसे अपना बहुत सारा टाइम और बहुत सारे एफर्ट्स लगा देते हैं उसे हमेशा मेंटेन करके रखने में। जब हमें अपने काम से प्यार होने लगता है तो वहाँ पे हम लोग कभी भी बोर फील नहीं होते हैं। आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपना ऐसा ही डेली का क्लीनिंग रूटीन शेयर कर रही हूँ, जिसकी वजह से मेरे घर पे कभी भी कोई गेस्ट आ जाते हैं तो मुझे भाग भाग के अपने घर को साफ नहीं करना पड़ता है, वो ऑटोमेटिकली हमेशा मेंटेन रह पाता है। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। अगर आप लोगों का इंटरेस्ट है होम एंड किचन ऑर्गेनाइजेशन वीडियोस देखने में, बहुत सारे टिप्स एंड हैक्स देखने में, तो आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग से वीडियो को। हम होम मेकर्स के लिए दिन की शुरुआत किसी भी टाइम पर हो, सबसे पहले आते हैं किचन में। हमारे लिए यही प्रायोरिटी में रहता है कि सबसे पहले एक हेल्दी सा ब्रेकफास्ट बना के अपनी फैमिली को खिला देते हैं, उसके बाद बाकी के काम करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं कुछ सब्जियों को बारीक कट कर लूँगी। उससे पहले मैंने एक कप सूजी ली थी जिसके अंदर 3 चम्मच दही डाला था। ये सब्जियाँ डाल के मैं इसे ढक के छोड़ दूँगी 10 से 15 मिनट के लिए। उसके बाद डस्टबिन वॉश करके बाहर रखा हुआ था सूखने के लिए, जब ये ड्राई हो जाता है अंदर लाती हूँ, गार्बेज बैग इसके अंदर लगा देती हूँ और उसके बाद ना चलते फिरते बहुत सारे काम हम लोगों को मिल जाते हैं। जैसे कि बच्चों के स्कूल जाने के बाद पता चलता है स्लीपर्स इधर से उधर बिखरी हुई हैं, तो उन्हें जगह पर रख देती हूँ। अपने काम को प्रॉपरली शुरू करने से पहले हमेशा अपने फ़ोन को पर्सनल मोड पर डाल देती हूँ, ताकि बाकी किसी डिस्ट्रैक्शन से मैं डिस्ट्रैक्ट ही ना हूँ। उसके बाद लेकर आती हूँ क्लीनिंग बास्केट, जिसके अंदर हर एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है मेरे डेली के रूटीन को आसान बनाने के लिए। सबसे पहले शुरुआत करती हूँ अपने बेडरूम से। ये ब्लू वाला जो डस्टर है ना, ये काफ़ी काम आता है जब छोटे छोटे जाले दिखते हैं कमरे में। ये जो ब्रश है ये किस काम आती है आगे बताऊँगी। ये लिक्विड सोल्यूशन मैंने खुद ही बनाया था, वाटर, विनेगर, डिश लिक्विड और थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाल के। उसके साथ ही यहाँ पे काफ़ी सारी और चीज़ें हैं, जैसे कि कॉलिन है, पीताम्बरी है, माइक्रोफाइबर ग्लव्स हैं, माइक्रोफाइबर का नॉर्मल कपड़ा है, कुछ क्लीनिंग ब्रशेज हैं, कोलगेट है, और इनको रखने के लिए जिन कप्स का हैंडल टूट जाता है उन्हें ही यूज़ करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी डेली की क्लीनिंग से। तो डेली रूटीन की क्लीनिंग के अंदर मेरे बेड के ऊपर जो ये लैंप्स लगी है इन्हें क्लीन करना ही पड़ता है, वरना इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा जाले लग जाते हैं और डस्ट कितनी आती है यह मैं आप लोगों को कई बार बता चुकी हूँ। उसके बाद मैं ये लिक्विड स्प्रे करती हूँ माइक्रोफाइबर कपड़े पे, और इससे अपने पूरे जो बेड है जिसकी जो नक्काशी है उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा डस्ट जम जाती है। अगर डेली बेसिस पे इन्हें क्लीन ना करूँ उसे भी क्लीन करती हूँ। साइड टेबल के ऊपर जितना भी सामान रखा होता है उसे हटाती हूँ और उसको अच्छे से वाइप कर देती हूँ। उसके ऊपर रखी हुई जितनी भी चीज़ें होती हैं इन्हें डेली बेसिस पे क्लीन करती हूँ। अंदर के जो बल्ब्स होते हैं उन्हें कई बार निकाल के भी क्लीन कर देती हूँ, वरना तो ये वैसे क्लीन ही रहते हैं। मेरे पास जो ये बैम्बू बास्केट्स हैं, आप लोगों ने पूछा था आप इसे कैसे क्लीन करते हो, तो ये वाली जो ब्रश है ना इसके ब्रिसल्स काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हैं और बहुत जल्दी इससे ना काफ़ी बड़ा एरिया साफ़ हो जाता है, तो मैं इसी को यूज़ करती हूँ और इस तरीके की सारी बास्केट्स क्लीन कर देती हूँ। इवन मेरे जो ये बेड पे गद्दे हैं उन्हें क्लीन करने के लिए भी मैं इसी का यूज़ करती हूँ। आज क्योंकि मंडे था, फर्निशिंग चेंज करनी थी, तो मैंने यहाँ पे बेडशीट भी चेंज कर दी है। मौसम के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे बेडशीट्स लगाती हूँ, बिल्कुल प्योर कॉटन की होती हैं, थोड़े से लाइट शेड्स होते हैं, वो मुझे अच्छे लगते हैं गर्मियों के टाइम पे। बेड को बनाने के लिए हमेशा मैं उसे अच्छे से अंदर टक इन कर देती हूँ, ताकि पूरा दिन जो बेडशीट है वो वहाँ से ना निकले। चीज़ें साफ़ होने के बाद जब हम लोग रखते हैं वापस से, तो हमें कितना ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। सुबह सुबह जब उठते हैं तो हमारा कमरा कितना बिखरा हुआ होता है, हर एक चीज़ के ऊपर डस्ट होती है, सारी चीज़ें इधर से उधर बिखरी मिल जाती हैं। पर उसके बाद ना ये चीज़ें मुझे काफ़ी ज़्यादा सुकून देती हैं जब रूम बिल्कुल क्लीन होता है। एक बहुत ही सिंपल सा मैं रूल फॉलो करती हूँ कि जिस रूम के अंदर मैंने एंटर करा है उसे अच्छे से क्लीन करने के बाद ही मैं बाहर आती हूँ और उसके बाद ही दूसरे रूम को स्टार्ट करती हूँ।
यहाँ पर आई हूँ मैं बेसिन एरिया के पास, बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिली जो कि अपने जगह पर नहीं थी, क्योंकि आप लोगों को पता ही है हस्बैंड हमेशा जल्दी में रहते हैं ऑफिस जाने के टाइम पे। ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे वापस रख दूँगी, थोड़ा सा पोंछ दूँगी। यहाँ पे भी जितनी क्रीम्स होती हैं, फेस वॉश होते हैं, उनके ऊपर भी टाइम के साथ काफ़ी ज़्यादा डस्ट आ जाती है, इन्हें भी मैं रेगुलर बेसिस पे क्लीन करती हूँ। यहाँ पे डेली नहीं करती हूँ, पर हाँ रेगुलर बेसिस का मतलब है वीक में एक बार इन्हें अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। यहाँ के शीशे वगैरह क्लीन करने के बाद मैं आती हूँ डाइनिंग रूम में। आज जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया मंडे है, तो यहाँ पे सारी फर्निशिंग चेंज होती है। डाइनिंग टेबल को भी इसी टाइम पे मुझे पूरा डीप क्लीन करने का मौका मिलता है, वरना हर टाइम इसके ऊपर बेडशीट लगी रहती है जिससे वो इतनी गंदी होती ही नहीं है कभी। डाइनिंग टेबल क्लीन करने के बाद मैं लगाती हूँ उसके ऊपर बहुत ही अच्छी मेरी मनपसंद की बेडशीट। उसके ऊपर लगा देती हूँ ये प्लास्टिक का पूरा हमारा जो डाइनिंग टेबल कवर है वो, और उसे मैं डेली बेसिस पे ज़रूर क्लीन करती हूँ, क्योंकि उसके ऊपर बच्चों के हाथ वगैरह लगते रहते हैं या फिर कभी कोई चीज़ गिर जाती है, तो ये कवर जो है ये डेली क्लीन होता है। इसके साथ ही डाइनिंग टेबल पे रखी सारी चीज़ें भी क्लीन होती हैं, जितनी भी चेयर्स हैं उन्हें भी क्लीन करती हूँ। अंदर वाली 3 चेयर हैं उनका वीक में एक बार नंबर आता है, बाहर की जो 3 चेयर्स हैं उन्हें डेली बेसिस पे क्लीन करना पड़ता है। ये रूम क्लीन करने के बाद चलिए चलते हैं लिविंग रूम में। लिविंग रूम की ये जो सेंटर टेबल है ये काफ़ी टाइम से क्लीन नहीं हुई थी, तो इसका मुझे आज क्लीन करना था ग्लास भी। अंदर से मैंने ग्लास को क्लीन करा, देखा बहुत ज़्यादा यहाँ पे चीज़ें गिरी हुई थी, चिपकी हुई थी, जिन्हें हटाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। नीचे से भी इस टेबल को क्लीन कर दूँगी और इसके ऊपर लगा दूँगी एक बहुत ही अच्छा सा टेबल कवर। ये वाले जो फ़ोन होते हैं हमेशा परेशान करते हैं, हमेशा उलझते रहते हैं, पर जितना हो सके चीज़ों को सुलझा के रखिए। कुछ डेकोरेशन के आइटम्स भी रहते हैं जिन्हें मुझे क्लीन करना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। नए फ्लावर्स लेकर आई थी, आप लोगों को मैं दिखा नहीं पाई थी पहले, तो सोचा आज इस वीडियो में दिखाती हूँ। इनको मैं जिस वास के अंदर रखती हूँ सबसे पहले तो उसे क्लीन कर दूँगी, उसके बाद इन फ्लावर्स को मैं यहाँ पे सेट कैसे करूँगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़े हैं। नीचे से मैं इसे थोड़ा सा टर्न कर देती हूँ क्योंकि इनके अंदर लगी होती है वायर्स, और देखिए कितने परफेक्टली इसके अंदर फिट आ गए हैं। अगर ऐसे आर्टिफिशियल फ्लावर्स के अंदर अगर आप लोग थोड़ा सा रूम फ्रेशनर स्प्रे कर देते हैं तो पूरा दिन आप लोगों का जो कमरा है ना वो महकता रहेगा। अब चेंज करने थे कुशन कवर्स भी, क्योंकि ये वेलवेट वाले थे, विंटर्स के टाइम पे थोड़ा सा लगाए हुए थे, तो अब मैं यहाँ पे समर के अकॉर्डिंग इन्हें चेंज कर रही हूँ। अगर आप लोगों के कुशन कवर पुराने हो जाते हैं ना तो आप लोग उन्हें कुशन के ऊपर ही स्टिच कर सकते हैं, जिससे आप लोगों का जो वाइट कुशन है वो भी ख़राब नहीं होगा, पुराना जो आप लोगों का कुशन कवर था वो यूज़ में आता रहेगा। ये वाला आइडिया ना आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फर्निशिंग चेंज हो जाती है, लिविंग रूम बिल्कुल बदल जाता है। नीचे से ये टेबल को मैं जब भी देखती हूँ हमेशा इसके ऊपर डस्ट मिल जाती है, उसे क्लीन करूँगी। टेबल के ऊपर जो भी डेकोरेशन आइटम थे उन्हें अच्छे से रखूँगी। जो सोफ़ा थ्रो है वो मैं रखती हूँ इस हैंडल वाली बास्केट में, ये बहुत ही अच्छी बैम्बू बास्केट है, वेस्ट साइड से मैं लेकर आई थी, और इसके अंदर सोफ़ा थ्रो भी आ जाता है, एसी चलाते टाइम यूज़ कर लेते हैं, वरना रखे हुए भी बहुत अच्छे लगते हैं बास्केट में। टीवी को और टीवी यूनिट को मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्लीन करूँगी, म्यूज़िक सिस्टम को क्लीन करूँगी, रिमोट वाली बास्केट है उसे थोड़ा सा मैं पोंछ दूँगी, तो इस तरीके से मेरा जो लिविंग रूम है वो बस इतना ही मैं साफ़ कर पाती हूँ। मैं डेली घर पे कपूर जलाना पसंद करती हूँ, बस वही जला रही हूँ। फिर आती हूँ बाथरूम में। बाथरूम के अंदर मुझे टॉयलेट रोला चेंज करना था, पर ये जो सक्शन होल्डर है ना ये काफ़ी ज़्यादा डस्ट से भरा हुआ था, मुझे इसे क्लीन करना पड़ा। इसके साथ ही डेली बेसिस पे यहाँ पे जो फ्रेम होते हैं या फिर हमारा जो टॉयलेट का टैंक है उसे क्लीन करना, बेसिन क्लीन करना, ये सारी चीज़ें तो इंक्लूडेड ही रहती हैं। बाथरूम का कपड़ा बिल्कुल अलग बना रखा है, इससे सिर्फ बाथरूम ही क्लीन होता है और कहीं पर मैं इसे यूज़ नहीं करती हूँ। इसके बाद आते हैं किचन के अंदर, बाकी का बचा हुआ काम कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले हैंड वॉश करूँगी, कुछ जो सुबह के बर्तन थे उन्हें वॉश कर दूँगी।
यहाँ पे बर्तनों का साथ के साथ ही वॉश करते रहना आप लोगों के बहुत सारे एफर्ट्स बचा देता है। आप लोगों को एक बहुत बड़ा ढेर नहीं मिलता है सिंक के अंदर गंदे बर्तनों का। इसके साथ ही ये भी सुकून रहता है कि बहुत ही कम बर्तन हमें धोने पड़ेंगे। तो ये सारे काम कंप्लीट करते करते ही हमारी जो सूजी थी दही के अंदर अच्छे से फूल चुकी थी। कुछ मसाले इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, नमक है, मिर्च है, पुदीना पाउडर है, जीरा पाउडर है, चाट मसाला है। इसके बाद हम लोग इसे पैन पे रखेंगे और इसकी छोटी छोटी सी टिक्कियाँ बना लेंगे। इसका जो घोल है वो बहुत ज़्यादा आप लोगों को वाटरी नहीं बनाना है, नहीं तो ये फैल जाती हैं, और इसका जो घोल है वो बहुत ज़्यादा हमारा थिक भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल इसी कंसिस्टेंसी का बनाइएगा, आप लोगों की ये जो सूजी की टिक्कियाँ हैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगी। विक्रम ने यहाँ पे ऐसी 2 प्लेट पूरी ख़त्म कर दी थी, सच्ची बताऊँ बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। और जो बचे हुए बर्तन थे उन्हें भी वॉश कर दूंगी। सारा काम कंप्लीट करना, किचन को हमेशा क्लीन रखना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अब मैं यहाँ पे बनाऊंगी अपने और विक्रम के लिए चाय, जो कि सुकून से भरी होगी, आराम से बैठ के पी सकते हैं, कुछ बातें कर सकते हैं। फ्यूचर प्लान मैं यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ, कैसे सब कुछ मैनेज हो पाएगा, आगे क्या प्लानिंग होगी हमारी। इसके साथ ही जाना था आज कहीं बाहर भी, तो ये था मेरा डेली का रूटीन जो कि मैं फॉलो करती हूँ और अपने घर को और खुद को मेंटेन कर पाती हूँ। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। कौन सा पार्ट इस वीडियो का सबसे ज़्यादा पसंद आया ज़रूर बताइएगा। मैं जा रही हूँ बेबू को स्कूल से पिक करने, आज उसका लास्ट एग्जाम है। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले विथ लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम दैट मिस्टेक ट्रंक। टेक केयर एंड बाय बाय।